Hey friends, hope you all are well. Cupcakes का नाम आते ही हमारे अंदर का वो छोटा सा बच्चा जाग जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ berry oats cupcakes. I have tried to use the healthiest possible ingredients ताकि आप उसे guilt free होके खा सके। And मैंने इसके साथ में vegan और eggless options के ingredients भी include किए हैं। And it's a very very easy recipe. आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। These can be easily kept in the fridge for about 2 weeks. ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो आइए इनके ingredients note कर लेते हैं। We'll be needing 1 1/4 cup of oats flour. अगर आपके पास oats flour नहीं है तो आप oats को dry grinder में grind करके उसका flour बना सकते हैं। 1 1/4 cup of whole wheat flour. 1 cup of curd, that is yogurt. 1/2 cup of honey. 1/3 cup of ghee, or you can take butter, you have to melt it. 2 eggs. 1/4 cup of low fat milk. 1 1/2 teaspoon of vanilla essence. 1 tablespoon of oats. 1 1/2 teaspoon of baking powder. 1/2 teaspoon of baking soda. 1/4 teaspoon of salt. 1/2 teaspoon instant coffee. 1 tablespoon of crushed walnuts or almonds. I have taken walnuts. If you are allergic to nuts, you can skip this. And 1/2 cup of blueberries. If blueberries are not available, you can substitute it with black raisins. They taste equally good. तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे and we'll take all the dry ingredients and put them in the bowl. That is the oats flour, the whole wheat flour, salt, baking powder and baking soda और साथ में कॉफी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट देर आर नो लम्प्स इन दिस मिक्सचर। एंड द अदर वे इज यू कैन टेक अ सीव और आप उसमें ये सब एक साथ कंबाइन करके इसको सीव कर सकते हैं। यू कैन सिफ्ट इट। नाउ इन अनदर बोल वी विल टेक दीज 2 eggs. ये एग्स बीट करने के बाद इसमें वील एड द कर्ड, दही, मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस, मिल्क एंड हनी। अब हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। लिक्विड मिक्सचर है, इसे हम अपने फ्लावर मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे लाइक दिस एंड वी विल कीप इट स्टरिंग। इसमें हमने अपना सारा लिक्विड डाल दिया है एंड नाउ वी विल मिक्स इट प्रॉपरली और तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसके सारे लम्प्स ठीक से डिसॉल्व नहीं हो जाते। अच्छे से विस्क करेंगे ताकि ये बैटर यूनिफॉर्म हो जाए अच्छे से। केक का बैटर रेडी हो गया है। आई हैव पुट द ब्लूबेरीज एंड आल्सो द वॉलनट एंड आई विल मिक्स इट थोरली ताकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे बैटर में। ये रहा मेरा कपकेक का मोल्ड। अब ये बैटर को मैं कपकेक के मोल्ड में डालूंगी और साथ ही मैंने ओवन को भी प्रीहीट करने रख दिया है 180 डिग्रीज पे। हमारा ओवन भी ऑलमोस्ट रेडी है। सो वंस आई एम डन putting the batter in the cupcake molds, I'll put it for baking. तो मेरे कपकेक्स हो गए रेडी।
It took about 18 to 20 minutes to bake this. As you can see, they smell just heavenly. अब जिस डिश में हमें केक बेक करना है उसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया है. Now I'm going to pour the batter in it. इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राइड ब्लूबेरीज, कुछ वॉलनट्स, व्हाइट चॉकलेट के कुछ स्प्रिंकलर्स, और अब ये जाएगा सीधा ओवन में. आई विल बेक इट एट 180 डिग्रीज. तो केक रेडी हो गया है. अब आप खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और हाँ, मुझे जरूर बताइएगा कैसा बना. तो ये हो गए रेडी हमारे बेरी वॉलनट ओट्स कपकेक. तो आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट सिरप ड्रिजल करके उसके साथ भी खा सकते हैं. बट इन इट सेल्फ इट्स सो होलसम दैट आई डोंट थिंक वी नीड एनीथिंग एल्स विद दिस. सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कपकेक कैसा बना. And thank you so much for watching so patiently. Please keep encouraging me and please, please, please subscribe and share my channel. I need all your encouragement. Thank you so much. Bye-bye. See you again soon.